नमस्कार दोस्तों, मैं द निसर्ग और आप देख रहे हैं दैनिक विचार .in। आज हम उन कुछ विषयों पर बात करना चाहेंगे जिस विषय को हमने शीर्षक दिया है कि हम कहाँ हैं, वेयर आर वी। क्योंकि समाज की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसके कारण एक परिस्थितियां और स्थितियां अनुकूल नहीं हो पाती है और कई बुद्धिजीवी हमारे देश से पलायन करके विदेशों में अपना घर बसा लेते हैं। ये किस्म की समस्या है जिसे अंग्रेजी में ब्रेन ड्रेन कहा जाता है और उन्हीं कारणों को जानने के लिए हमने हमारी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में हम उन विषयों पर बात करना चाहेंगे जिसमें ब्रेन ड्रेन की क्या समस्याएं हैं जिस कारण ये समस्या पैदा होती है, और हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर भी रहने वाले जो हमारे राष्ट्रीय बंधु हैं उनके जीवन में इस किस्म की समस्याओं से क्या असर पड़ता है। हमारी रिपोर्ट में ब्रेन ड्रेन, जो कि अब एक राष्ट्र की गंभीर समस्या बन चुकी है, उस विषय में जानकारियां हमने जुटाई हैं जिसमें हमें उन खास हुनर रखने वाले नागरिकों का पलायन होता देखना पड़ता है जो सिर्फ इस राष्ट्र में पनपी अव्यवस्था के कारण अपना योगदान भारत में नहीं दे पा रहे हैं। इन अवस्थाओं के प्रमुख मुद्दे में देश में आरक्षण जैसी एक समाज में कुरूतियों वाली बंटवारा करने वाली व्यवस्था भी शामिल है जहां आर्थिक नहीं जाति के आधार पर नौकरियां दी जाती है। इस व्यवस्था ने कितने ही काबिल लोगों को आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अपनी योग्यता को मुकाम देने के लिए लोगों ने देश से पलायन तक भी कर लिया है जिस वजह से देश को मानव संसाधन का काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण बंद करो और योग्यता के आधार पर लोगों का चयन शुरू करो, ऐसी हमारी सरकार से दरख्वास्त है। आरक्षण होना चाहिए लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिन्हें वास्तव में आरक्षण की आवश्यकता है, जिनके परिवार के प्रति व्यक्ति आय कम है या आर्थिक रूप से उत्थान की कमी है। भारत में जिस तरह से आबादी का विस्फोट हुआ है उसमें देश में संसाधनों के बंटवारे में काफी बड़ी खाई आ गई है जिसके परिणाम स्वरूप काबिल व्यक्तियों को अपनी आवश्यकता के हिसाब से भी संसाधन आसानी से प्राप्त नहीं हो पाते हैं जिसमें वे अपना योगदान देश को दे सकें और साथ ही अपने जीवन को भी सरल बना सकें। जैसा कि ये सभी जानते हैं, क्वांटिटी इज नॉट बेटर देन क्वालिटी। भारत को भी जल्द ही अपनी आबादी पर संतुलन लाने के लिए एक अच्छे प्रबंध की आवश्यकता है। देश में प्रदूषण, सुस्त कामकाजी स्वभाव, अंधविश्वास, महिलाओं को समाज में पुरुष से कम आंकना, भाई भतीजावाद आदि कई और भी कारण हैं जिनकी वजह से ब्रेन ड्रेन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ये सिर्फ कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें देखने की जरूरत है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। हम लोगों को अधिक शिक्षित होने की जरूरत है और इन समस्याओं के बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है। हमें केरल और गुजरात जैसे राज्यों की आवश्यकता है जो साक्षरता दर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अच्छे लिंग अनुपात भी स्थापित कर रहे हैं व राज्य में उद्योग भी स्थापित कर रहे हैं। हम हर दिन की गतिविधि के बारे में जानते हैं कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि हमारा देश इससे पीड़ित है या नहीं। फिर किस तरह से हम हर रोज की गतिविधि को देख रहे हैं अगर हम इतनी बड़ी देश की समस्या को अपनी आंखों से हमारे समाज के भीतर देख नहीं पा रहे हैं। तो अब हम राष्ट्र के उन चार पिलरों के बारे में जानेंगे जिस पर राष्ट्र खड़ा होता है और ये चार पिलर पूरी राष्ट्र की व्यवस्था को अपने ऊपर बनाए रखते हैं। वो कहते हैं ना, नेशन हैज फोर पिलर्स टू मेंटेन द सोसाइटी एंड डेवलप इट ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। तो उसमें से जो पहला हम विषय लेना चाहेंगे, पार्लियामेंट। जी हाँ, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो व्यवस्था है उसमें हमारा राष्ट्र लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र है। इसकी व्यवस्था संवैधानिक रूप से इस तरह से की है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर देश को चलाएंगे और ये केंद्र और राष्ट्र की सरकार जनता द्वारा चुनी हुई होगी, यानी लोकतांत्रिक तरह से। इस लोकतंत्र की कई राजनीतिक पार्टियां बनाई जो देश से ज्यादा अब सरकार बनने के हुनर में व्यस्त हैं। जी, इस लोकतांत्रिक देश में काफी पार्टियां हैं। हमारे भारत देश में अगर देखा जाए तो 3000 से ज्यादा चुनाव में संग्राम में पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और अपनी किस्मतें आजमाती हैं, परंतु क्या राष्ट्र के लिए विचार करना और राष्ट्र को आगे पहुंचाने की नीयत से वो इस तरह से काम कर रही हैं या सिर्फ अपनी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही हैं? एक दूसरे से आक्षेप लगाना और व्यक्तिगत हित में कीचड़ उछालना इनका पेशा बन चुका है।
ना नियत ना नीति पर चुनाव के समय में पूरी तरह से जातीय राजनीति और फिर बहले में अपनी राजनीति के हित साधने में देश का संसाधन की किस तरह से बेफिजूली करना इनको बड़ी अच्छी तरह से आता है और उसी तरह से वो अपने घोषणा पत्रों को तैयार करते हैं। इन घोषणा पत्रों में फला जातियों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है जिससे उन्हें वोट बैंक बना लिया जाए, अन्यथा अपने संसाधनों को यूं ही कोई सरकार ऐसे ही बांट दे तो आप उसी वक्त समझ जाइए कि देश की सरकार अब देश बेचने को उतारू हो चुकी है अपनी खुद की सरकार बनाने के लिए। क्योंकि सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि देश की जनता शिक्षा के अभाव में कौन सा विकास पर वोट दे देगी या नैतिक कार्यों पर। जनता को जितना हो सके जाति और मजहब के नाम पर उलझा के रखना व अनैतिक कार्य की घोषणाएं कर उन्हें मुफ्त उपहार बांटकर अपनी सरकार को बनाए रखना, ये बातें हमारी देश की तमाम या ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां बखूबी जानती हैं जो कि हमारे देश के प्रथम पिलर पर विराजमान है इस देश को बनाए रखने के लिए। ये देश के संसद का हाल है जहां से उम्मीद की जाती है कि ऐसे कानून बनेंगे जो न्याय संगत होंगे, ऐसे कानून बनेंगे जो न्याय संगत होंगे और देश को खुला माहौल देंगे जिससे देश में व्यवस्था के माध्यम से विकास के रास्ते बनेंगे, ना कि समीकरण बिठाकर राजनीति से की गई कोई ऐसी घोषणाएं जो ना तार्किक हो ना नैतिक हो और ना ही देश के लिए दूरगामी रूप से लाभदायक हो, जिसमें ना कोई व्यवस्था बन पाती है और ना ही उसके आने वाली पीढ़ियों को लाभ, वो बस क्षणिक सरकार बनाने तक ही सीमित रह पाती हैं और इसका एकमात्र फायदा चुनाव जीतने वाली राजनीतिक पार्टियों को ही मिलता है। और इसके भी इस घोषणा से क्या नुकसान, संसाधन तो वैसे भी देश का ही लगा है, इसलिए किसी भी पार्टी को किसी भी संसाधन को मुफ्त में बांट देने से कोई भी नफा नहीं पड़ता। वो संसाधन जिसके लिए जनता दिन रात मेहनत करती है वो यूं ही घोषणा पत्रों में लिखकर आवाम में मुफ्त बांटने की योजना बनाती है एकमात्र अपनी सरकार बनाने की। एक तो भारत के सत्ता प्रतिष्ठान के गठन, रचना, प्रक्रिया, पद्धति, इसको बाइफोकल विजन के साथ देखने की जरूरत है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इसलिए कह रहा हूँ कि बस अंग्रेजों से विदा होने के बाद 46-1949 संविधान सभा के द्वारा कुछ रचना हुई, चलाए कैसे जाए, और 1950 से संविधान लागू हुआ भारत के जन के द्वारा भारत के जन के लिए। अब उसमें शॉर्ट टर्म था, ध्यान रखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड था उसका जिसमें लगभग 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन का जोर रहा और उसकी अपनी धमक थी जो पश्चिमी समाजों की प्रभक्की प्रभाव क्षमता को लिए हुए थी और वो तो कंट्रोलिंग रिजीम थी। इसको ध्यान में अगर ले लें तो वो स्टीयरिंग द सोसाइटी फॉर भारतीय प्रोग्रेस ऐसा कुछ नहीं था उसमें, वो तो उनकी सत्ता को कंसोलिडेट करना, उनकी सत्ता को एक्सपैंड करना, और वो शोषणमूलक दृष्टि ही थी उसमें, लूट की दृष्टि थी मोटे तौर पर। इसलिए उसमें जो बाधक होंगे वो कंट्रोलिंग रिजीम में आएंगे, तो जो भी परिवर्तनकारी संघर्ष करेंगे तो उनको समूह के हैं अगर वो लोग तो वो ट्राइब्स को ही एबॉरिजिनल्स कह दिया, ट्राइब्स को ही क्रिमिनल ट्राइब्स कर दिया, कम्युनिटी को, ये सब उनका चला। तो व्यवस्था भी ऐसे कलेक्टर की व्यवस्था है, मान लीजिए आई क्यों, तो कलेक्टर यानी टैक्स कलेक्ट करने वाला कलेक्टर, समाज का संचालन देख, जबकि राज्य व्यवस्था का मूल उद्देश्य ही डिफरेंट है। स्टेट इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट दोज हु कैनॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, यहाँ तो उल्टी रचना थी। इसलिए स्वाभाविक था कि जो उसने उस कोर्स पर चलते, उस राह पर चलते, तो परिणाम तो वही आता, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ थे खाए। इसलिए इसको आप आकलन करना चाहें तो मैं कहूँगा कि गांधी जी का हिंदू स्वराज 1998 और 1999 में लिखा हुआ, उसको आप बना लीजिए पैरामीटर,
और तब आप देखिए कहाँ क्या पहुँचा और उसमें से एंड रिजल्ट क्या रहा, तब आप आकलन इस 75 साल का भी कर पाएंगे। तो उसमें से संविधान के बारे में समझ में आएगा कि इसमें जो गठन किया गया, मान लीजिए विधायिका ही का आपने गठन किया, अब विधायिका का चयन और जो उसके रोल हैं, उस रोल में तो चुनाव है, और चुनाव का फिर क्या हुआ शास्त्र, तो चुनाव शास्त्र हुआ 49-51 डेमोक्रेसी, विनर टेक्स ऑल। उससे फिर समाज में सौमनस्य तो कम होगा ना, फिर तो चुनाव की सारी प्रक्रिया आत्मस्तुति और परनिंदा में ही केंद्रित रह जाएगी। तो स्वाभाविक है उसके बाद पहले सत्ता पारंपरिक आज़ादी के मूल्यों का थोड़ा बहुत स्मरण रहा 1965 तक, 65 से 80 तक में सत्ता बल का दल बदल आया राम गया राम वगैरह चला, 80 से 95 तक अपराधियों का ही बोलबाला रहा, और जब हो गया अच्छा 80 से 95 से 2010 तक धनबल का प्रभाव हुआ, 2010 के बाद देश की कशमकशाहट बढ़ी है, तो उसके बाद की यात्रा चली है। इसके कारण जो डिस्कोर्स का भी नैरेटिव बना वो 1920-1950 आज़ादी के जीवन के मूल्य हिंद स्वराज के नाम पर समझ लीजिए आप, 50 से 80 सोशलिज्म के नाम पर चला, जो सोशलिज्म की फ्रेजियोलॉजी से इतनी दूर रहे वो उतने ही हाशिए पर माने गए, जो उसके साथ चिल्लाते रहे वो मुख्य धारा में माने गए, 80 के बाद वो ऑब्सोलीट हो गए, कालबाह्य हो गया, और तब समझ में आया कि जो भारत के बारे में सोचते हैं, भारत के ढंग के बारे में सोचते हैं, उन सब की खिलाफत में एकजुट होना चाहिए। उसी का प्रभाव था सेक्युलरिज्म का प्रभाव, और वही वॉचवर्ड बन गया। जो जितना इस वॉचवर्ड से दूर रहा वो उतना हाशिए पर रहा, जो जितना समर्थ रहा सहमत रहा वो मुख्य धारा में रहा। लेकिन देश में जो सिविलाइजेशनल भी तो थ्रस्ट चल रहा है, उस थ्रस्ट के कारण ऐसा अनुभव आया कि 1920 से 50 तक एक प्रकार, फिर अंग्रेज चले गए, 50 से 80 तक एक प्रकार, और 80 के बाद 95 तक, 80 के बाद 2010 तक का एक प्रकार हो गया। 2010 के बाद हिंदुत्व बिकेम द बेसिक कोट ऑन द कैनवस, जो कलर चला उसमें हिंदुत्व ही, और हिंदुत्व की भी छटाएँ बहुत सी अभी आएंगी, फिर उसमें से जो मध्य मार्ग होगा वही मुख्य धारा बनेगा। तो राजनीति की तो दिशा उस दिशा में है, और सत्ता का जहाँ तक है, विधायिका में जो प्रेरणा का प्रदूषण हुआ है, सत्ता बल देन बाहुबल उसके बाद धन बल, इसका परिणाम है अभी की स्थिति में विग्रह है, तनाव है, पोलराइजेशन है, संवाद का अभाव है, विश्वास का अभाव है, सब दृश्य दिखने लगा। और उसमें अंधभक्त भी हैं, अंध विरोधी भी हैं शक्तियाँ, व्यक्तियों की बात नहीं करता। और उसमें से आगे बढ़ना पड़ेगा तो विधायिका कितना काम आएगी सोचने की बात है। आगे ब्यूरोक्रेसी का ऐसा ही, जब शुरुआत से गठन हुई वो तो कंट्रोलिंग रिजीम ही तब भी था, अब भी है, एम्पावरमेंट का कहाँ है विषय। आप पद्धति कुछ रखेंगे, कंट्रोलिंग का रिजीम का रखेंगे, चाहेंगे एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल हो जाए। भारत की तासीर तो थी कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन वॉचवर्ड होता, जियो पोलिटिकल यूनिट के नाते अगर देख कर करना था तो, वैसा तो नहीं हुआ। अब जुडिशरी की बात है, सबको सस्ता सुलभ शीघ्र सही न्याय मिले, न्याय कहाँ, फैसले ही तो हो रहे हैं, जस्टिस कहाँ। आज जितने अंडर ट्रायल्स हैं जेल में उतना पहले तो कभी नहीं थे। आज जुडिशरी की जो स्थिति है, अमेरिका में 1 मिलियन पर 113 जज हैं, इंग्लैंड में 50 हैं, फ्रांस में 60 हैं, भारत में 18 हैं। तो लंबित केस 5 करोड़ बनेंगे तो क्या आश्चर्य है उसमें। इसके लिए कुछ रेडिकल चेंजेस की ज़रूरत थी जुडिशरी में भी। अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट में इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस का तय करने वाला कौन रहेगा, अपॉइंटी रहेगा या कोई और निकाय रहेगा उसका, तय करने की बात है। कॉलेजियम का एनजेएसी का झगड़ा क्यों है, तो समझने की बात है, क्यों होना चाहिए झगड़ा, क्यों होना चाहिए, क्यों स्टैलमेट होना चाहिए, पैरामीटर्स क्यों नहीं वैज्ञानिक बन सकते जजों के अपॉइंटमेंट के। इतना कॉम्पिटेंस एंड मोटिवेशन को, इंटीग्रिटी को तोलने का कब मापदंड कुछ भी नहीं होना चाहिए, न्यूनतम कुछ तो हो सकता है। उसी प्रकार आप देखिएगा मीडिया का, आज़ादी के आंदोलन तक तो एक स्वरूप रहा, उसके बाद धनबल का प्रभाव बढ़ा, और उसके बाद विज्ञापनों की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद
प्रोप्राइटरशिप ही हावी हो गया, मैनेजमेंट हावी हो गया। अब उसके बाद प्रोप्राइटर और मैनेजमेंट की ज़रूरतों के हिसाब से ढलने लगे, तो उसमें से जो मैनेजरियल सेक्शन है उसको प्रधानता मिली, एडिटोरियल सेक्शंस का रोल इन्फीरियर हो गया। तो ऐसी सारी स्थिति में बेसिक्स पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि भारत चलता कैसे है, भारत में स्टेट का रोल क्या होगा, उसकी तासीर, तेवर और ज़रूरत के हिसाब से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, एकेडमिया को रीओरिएंट करने की ज़रूरत है, रीफ्रेम करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है। आज से एक कदम आगे हम बढ़ जाएं हर क्षेत्र में। जज ही की बात है, मान लीजिए तो भैया 1 मिलियन में 18 की बजाय आप 1 मिलियन में 50 तो कर डालें। इसी तरह से आप अंडर ट्रायल के जो छुट्टी तो दे दें उनको, उनके पास तो पैसे भी नहीं है जमानत लेने के लिए। जितना जुर्म किया था मान लो उससे ज़्यादा की सज़ा हो गई तब तो छोड़ दें। तो चर्चा भी चल रही, इस बात की भी चर्चा 10 साल से ज़्यादा हो गई। तो रिजल्ट देना, रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा ना, वादे और दावों से तो काम नहीं चलेगा। बेसिक्स पर विचार करें तो आज भी मान लीजिए 20 करोड़ लोग हैं जो अपनी आजीविका के बारे में आश्वस्त नहीं हैं, तो चिंता की बात होगी ना। आज अगर 1% व्यक्ति 57% रिसोर्सेस का स्वामी बन जा रहा है देश में, तो ये विषमता क्या हमको अभीष्ट थी? तो हम इसको तौल करके देखें, हम क्या चाहते थे, कहाँ पहुँचे हैं, आगे क्या होना है, उसका 1 स्टेप फॉरवर्ड क्या होगा। तो विधायिका के बारे में मेरा मानना है कि 49-51 के सिस्टम से थोड़ा आगे बढ़ें, कॉन्सेंसस पर आवे। कॉन्सेंसस पर आएंगे तो कोलिशन बनेगा, कोलिशन बनेगा तो मुंडे मतिर्बिन्ना के बाद भी समन्वय होगा, मत अनेक निर्णय एक की पद्धति विकसित होगी। मैं मानता हूँ कि ज़्यादा शुभ रहेगा। ब्यूरोक्रेसी के बारे में उनकी ट्रेनिंग, उनका ओरिएंटेशन, उनके एग्जामिनेशंस, रिक्रूट करने के सिस्टम्स, इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है बहुत बड़ी, जिसमें ये फैसिलिटेटर बने, कंट्रोलर न बने। फैसिलिटेटर में पीपल्स पार्टिसिपेशन को महत्व दिया जाए। समाज आगे सत्ता पीछे तभी होगा स्वस्थ विकास, इसको आधार बनाया जाए। स्वदेशी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स को योग्य स्थान दिया जाए। मीडिया के बारे में भी जैसे जैसे डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो एम्पावरमेंट में सहयोगी रहेगा, और एडवर्टाइजमेंट्स और बाकी को रेगुलेट करने की निष्पक्ष व्यवस्था करनी जरूरी है। सत्ता का आश्रय भी, किनको मिलना, किनको नहीं मिलना, क्यों मिलना, नहीं मिलना, नहीं मिले तो ठीक है, लेकिन विक्टिमाइजेशन कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, फेयर कैसे हो जाए, तभी तो बात बनेगी। और इन सब के लिए मेरा मानना है कि संवाद और विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। राम राज्य के बारे में भी कहा गया जो आया ना, उसमें सब जन करहीं परस्पर प्रीति, समाज की एकजुटता ही इसका निर्णायक होगा। और तदनुसार समाज में ही शिक्षा संस्कार पर ध्यान दें, समाज में ही पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ सिस्टम्स पर ध्यान दें, इंडिजिनस नॉलेज का भरपूर उपयोग हो, यही आगे की स्वस्थ दिशा होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अब हम देश के दूसरे पिलर पर बात करेंगे, दूसरा पिलर ब्यूरोक्रेट्स, जहां पे कानूनों को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था तैयार की गई है और सारे नियमों को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यभार सौंपा गया है। सरकार अपने काम अधिकारियों को और उसके मुलाजिमों के माध्यम से जनता के लिए कराती है। सरकारी मुलाजिम भी जनता ही होती है, परंतु इनके काम करने का ढंग जनता को इस तरह से बताना होता है कि हम तुम्हारे मालिक हैं। ये तो हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स का, वो अंग्रेजी में शब्द है ना, एटीट्यूड उस तरह का है, जबकि इनकी तनख्वाह जनता के कर के माध्यम से ही मिल पाती है, या ये कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से एक केंद्रित समाज के श्रम से इनको तनख्वाह प्राप्त हो पाती है, परंतु ज्यादातर नागरिक सरकारी विभाग से त्रस्त ही महसूस करते हैं। इसका काम को करने के लिए सरकार ने उन्हें पैसे दे रही है, वो वही काम को करने के लिए अनैतिक तरीका अपनाते हैं। ये अनैतिक तरीका इस तरह से है कि तब तक काम को अटका कर रखेंगे कि जब तक व्यक्तिगत रूप से उस काम को फरियादी उसे रिश्वत ना दे दे। ये आचरण देश के एक बड़े विकास को धराशायी कर रहा है, उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रोक कर रख रहा है जिससे जाना जाने कितने रोजगार और आर्थिक विकास होने वाले हैं।
अगर किसी छोटे काम को लेकर भी देखा जाए तो किसी मानव संसाधन को बार बार सरकारी दफ्तर के काम में उलझाना भी देश के विकास के लिए हानिकारक है। ये आलम किसी भी दफ्तर का हो सकता है जहां छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर उच्च स्तर के अधिकारी तक देखने को मिल जाएगा और हमारी देश की अशिक्षित जनता उस अधिकारी को विभाग के अधिकारी से ऊपर अपना ही अधिकारी समझ उसकी बातों में असहज हो जाती है। किसी भी शहर का कोई भी अधिकारी किसी भी विभाग का देश के प्रति और उसके देश के नागरिकों के प्रति कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात प्रत्येक नागरिकों को जाननी चाहिए। किसी भी नैतिक कार्य के न करने पर आप उनके खिलाफ जांच और शिकायत उतनी ही ताकत से कर सकते हैं क्योंकि वो आपके काम करने के लिए वहां पर तैनात हैं, ना कि आपके ऊपर किसी भी किस्म की हुकूमत थोपने के लिए। परंतु हमारे देश में अधिकारियों से खौफ होता है। देश में रह रही जनता की आंखों में देखा जा सकता है कि वो किस तरह से सरकारी विभाग में जाने से कतराते हैं, जबकि उन्हें उस विभाग के माध्यम से जीवन सरल करने के लिए योजनाओं का लाभ मिल सकता है व एक सरल जीवन प्राप्त हो सकता है। इस तरह के रिश्ते से किस तरह देश में सामंजस्य के साथ विकसित हो पाएगा जब अधिकारी अपने कर्तव्य को भूलकर और जनता पर अधिकारी होने का या किसी सरकार का मुलाजिम होने का रुतबा अपनी आम जनता के ऊपर थोपते रहेंगे। अब हम देश के तीसरे पिलर पर बात करेंगे जो कि है जुडिशियरी। देश में जब भी कोई कानून बनता तो उस कानून का संरक्षण के लिए देश में न्याय व्यवस्था बनाई गई है। ये न्याय व्यवस्था स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है बिना सरकारी हस्तक्षेप के। न्याय व्यवस्था को सरकार को भी मार्ग दिखाने का अधिकार है। ये व्यवस्था मानव के अधिकारों, उसके साथ हुई किसी भी जाति को या अन्याय होने पर न्याय देने के लिए तैयार की गई है। यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं, समानता के आधार पर सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि अन्याय किसने किया और अन्याय किसके साथ हुआ। परंतु सवाल खड़े वहां होते हैं जब न्यायाधीशों के ऊपर समानता से 40 गुना ज्यादा काम सौंप दिया जाता है उनको सुनने के लिए, जिसका नतीजा एक छोटा सा भी केस 2-3 दशक से भी ज्यादा समय ले लेता है। कई बार न्याय मांगने वाला व्यक्ति ही इस दुनिया में नहीं रहता। तो ये समस्या देश की जनता के साथ एक अन्याय के बाद दूसरे अन्याय के समान हुई। भारत में जिस तरह से जजेस के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो एक कॉलेजियम सिस्टम डेवलप किया गया। पहले थोड़ी प्रक्रिया अलग थी जजेस के अपॉइंटमेंट्स की, अब कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता है। लेकिन क्या हमें इस विषय पर विचार नहीं करना चाहिए कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उससे जुडिशरी का कितना फायदा हुआ? क्या जजेस की क्वालिटी में कोई फर्क हुआ? क्या हमारे जजमेंट्स या प्रेसिडेंट्स जो पास होते हैं, जो केस लॉज पास होती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, उनकी क्वालिटी में कुछ अच्छाई आई, कुछ बेहतर हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक जो अराजकता पहले एग्जीक्यूटिव में दिखती थी, वो अराजकता कहीं ना कहीं आज जुडिशरी में भी दिख रही है, और जो जजेस बाहर निकल के आए वो ही उसका एक सबूत है बहुत बड़ा। भारत में एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें किस तरह से जजेस अपॉइंट होने चाहिए, इस देश में किस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है कि हु विल जज द जजेस। ये कोई व्यक्ति अगर बार में है और दूसरा व्यक्ति बेंच में है तो बार पे एक डिसिप्लिन रहती है, लेकिन ये भी आवश्यक है और बहुत आवश्यक है एक प्रजातंत्र में, एक जनतंत्र में, कि जुडिशरी कैसे फंक्शन कर रही है, उसका एक रिजल्ट क्या आ रहा है लोगों के सामने, कैसा हम समाज बना पा रहे हैं जुडिशरी के माध्यम से, उस पर भी एक वॉच हो, उस पर भी एक निगरानी हो। कोई भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा। अगर ज्यादा स्वतंत्रता होती है तो वो स्वच्छंदता में बदल जाती है, जो देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। एग्जीक्यूटिव का काम अगर जुडिशरी करेगी वो भी गलत है।
अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसे काम करेगी जो जुडिशरी में इंटरफियरेंस हो, वो भी गलत है। हर चीज की अपनी मर्यादा है और हमें चाहिए कि भारत के चारों स्तंभ बहुत ही अच्छी तरह से अपनी अपने हद में रह के कार्य करें। मेरे मत में भारत का संविधान बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्रिलियंट और एक्सलेंट माइंड्स ने यह संविधान बनाया है और भारत की परिस्थितियों को लेके बहुत अच्छा संविधान है, लेकिन इसका एक इंटरप्रिटेशन और इसका इम्प्लीमेंटेशन वो प्रॉपर नहीं हो पाया। जांच विभाग द्वारा की जाने वाली लापरवाहियां भी कई बार कानून को कमजोर कर देती हैं। इस तरह से व्यवस्था के होने से देश के भीतर कानून से विश्वास और उसका डर खत्म हो जाता है और इसमें पिसने वाला व्यक्ति ज्यादातर शरीफ घराने का या किसी साधारण से विवाद में उलझे व्यक्ति को लंबे समय तक झेलना पड़ जाता है। इससे उन्हें कई किस्म के कष्ट झेलने पड़ते हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और बहुत ज्यादा समय की बर्बादी भी इन मामलों से निकलने में करनी पड़ती है। वहीं अगर छोटे विवादों को जल्द खत्म कर न्याय दे दिया जाए तो छुटपुट दादागिरी जो सामान्य लोगों के जीवन में समस्या बनती है उन्हें खत्म किया जा सकता है और न्यायाधीशों की ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति न्याय व्यवस्था को और विश्वसनीय बना देगी। आपसी विवाद में कई आर्थिक विकास उलझे रहते हैं जो देश के विकास के पहिए को अटका के रखते हैं। ये हालात ऐसे संयोग बनाते हैं जिसमें युवा वर्ग अपने जीवन को कोसने लगता है क्योंकि वो जिस काम के लिए जिंदगी भर तैयारी की उस काम से जुड़ा कोई फैसला कोर्ट में उलझा पड़ा है किसी मामूली सी बात को लेकर और उस मामूली सी बात को सुलझाने में अभी एक दशक और लगेगा और उसकी नियुक्ति या उसके काम को लेकर जो विकास देश को देने वाला होता है वो भी एक दशक तक विराम में रखा रह जाएगा। अब हम बात करेंगे देश के अंतिम पिलर, चौथे पिलर की, जो कि है प्रेस मीडिया। मीडिया से तात्पर्य माध्यम दो लोगों के बीच में, दो संस्थाओं के बीच में, संस्था और लोगों के बीच में, जहां से हम अपनी बात रख सकते हैं, किसी की बात सुन सकते हैं, जानकारियां जुटा सकते हैं, जिज्ञासाओं को तृप्ति दे सकते हैं। ये होता है मीडिया का कर्तव्य। वैसे लोकतंत्र में चार स्तंभ कहे जाते हैं लेकिन उसमें पत्रकारिता को अगर हम देखते हैं तो पत्रकारिता वॉलंटियर स्तंभ है। बाकी अगर आप न्यायपालिका देखें तो न्यायपालिका के अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, सुरक्षा भी है, सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। यही कार्यपालिका के पास जाइए तो उनको रिटायरमेंट तक की बात है, रिटायरमेंट के बाद की बात है। अगर यही विधिपालिका के पास जाएंगे तो अगर आप 5 साल के लिए भी जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो मरने तक आपको बाकी सारे पेंशन से लेकर सुविधा मिलेगी। लेकिन पत्रकारिता में क्या है, पत्रकार को कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में इन तीन स्तंभों की तुलना में अगर सबसे ज़्यादा हत्या किसी की होती है तो पत्रकारों की होती है। तो इसलिए पत्रकारिता जगत में कहने के लिए चौथा स्तंभ है। इसका वॉलंटियर जो स्वरूप है, हालांकि अभी वॉलंटियर स्वरूप भी बदलता जा रहा है, अब इसमें उद्योग और व्यापार के लोग ज़्यादा आ गए। पहले ये सेवा का क्षेत्र था, मिशन था, लेकिन अब इसमें कमीशन वाले लोग आ गए, प्रोफेशन वाले लोग आ गए। अब भारत सरकार भी नहीं चाहती, किसी भी दल की हो, कि मीडिया, ये जो चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, ये वॉलंटियरली काम करे। अब वो भी चाहती कि प्रॉफिट मेकिंग काम करे, मतलब इसके नेटवर्थ होनी चाहिए, नेटवर्थ के साथ प्रॉफिट होना चाहिए, फिर तभी उसको अनुमति मिलती है। और इतना ही नहीं, अगर किसी न्यूज़ चैनल को लाइसेंस देने के बाद उसका नेटवर्थ डाउन होता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो मतलब सरकार ही खुद चाहती है कि आप प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो। तो अगर आप प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो तो आपका पहला उद्देश्य TRP, विज्ञापन, प्रॉफिट रहेगा, ना कि जन समस्या रहेगा। ये पहली बात। दूसरा, मैं मानता हूँ कि मीडिया में विदेशी निवेश नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं होना चाहिए। ना भारत में पहले था, दुनिया के कई देशों में पहले ऐसा कोई निवेश नहीं होता था। आज भी 150 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिन देशों में 1% की भी विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन हमारे पास बड़ी खतरनाक स्थिति है। मनोरंजन के चैनल में 100% है, न्यूज़ चैनलों में 49% है। क्यों? अगर अमेरिकन कंपनी यहाँ पर पैसे लगाएगी तो अपने देश का ही देखेगी ना। अगर आप अभी रशिया यूक्रेन के वार की स्थिति देखोगे तो जो अमेरिकन मीडिया है वो अमेरिकन वर्जन को रख रहा है, रशिया को नहीं रख रहा है, भले उनका चैनल रशिया में क्यों ना चलता हो। और इसलिए विदेशी ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो और कोई नहीं कह रहा है, मैं इसके लिए लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, ये
कि भारत के मीडिया में उद्योगपतियों के भी पैसे नहीं होना चाहिए। अंबानी के, अदानी के क्यों पैसे होने चाहिए बिरला के? इतने हजारों करोड़ रुपए की निवेश की आवश्यकता मीडिया में नहीं है। उल्टा जितना बड़े उद्योगपतियों को आप इसमें लाएंगे वो उसका उपयोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेंगे। चलो वहाँ पर करें तो हर्ज भी नहीं, लेकिन अगर वो पॉलिसी मेकिंग को डोमिनेट करे और सरकार के साथ साठगांठ करे तो फिर वो मीडिया नहीं रहता है, फिर वो प्रचार तंत्र बन जाता है। तो फिर उसको चौथा स्तंभ रहा कहाँ से? इसलिए मेरी मीडिया के प्रति ये मांग है और मुझे लगता है कि ये मीडिया में जब तक नहीं होता है तब तक इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। प्रेस को समाज में वो अधिकार है जिसमें उसे तमाम व्यवस्था की अनैतिकता को लोगों के बीच में लेकर उजागर करना होता है कि व्यवस्था किस तरह से जर्जर होती जा रही है। इसमें खामी करने वालों ने इसे इस तरह से बर्बाद कर दिया, परंतु आज का मीडिया किसी मशहूर हस्ती के सुबह के नाश्ते या उनके बच्चों के नाम रखे जाने पर जनता में खबरें पहुंचा रही है। जब मीडिया ही अनैतिक हो गई तो उनसे नैतिकता को बचाए रखने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? किसी व्यक्तिगत के जीवन में जो घट रहा है उसको खबर बना देना ये व्यवसाय नहीं है। अगर मीडिया कहे जनता को यही पसंद तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने असल पेशा छोड़कर जनता को खुश करने में ऊर्जा लगाओ, और ये ऊर्जा जनता को खुश करने में नहीं बड़े स्तर पर कमाई करने पर केंद्रित है। मीडिया का ये दायित्व तो है कि जनता में हो रही अनैतिक मानसिक विकृति को दूर कर मानवता से पूर्ण नैतिक समरसता पैदा करे, परंतु मीडिया आज कई जाति सूचक के नाम के साथ अन्य जातियों पर हमलावर है। इसके विपरीत अनैतिकता करने वालों के खिलाफ होना चाहिए और जाति व्यवस्था का विरोध पर वो अपनी खबरों में समाज की कुरूतियों को और अतार्किक आस्था भावनाओं को ऐसे पेश करती है जैसे कि देश की जनता को सही रास्ता दिखाने में उनका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। राजनीतिक खेलों में पक्षपाती होना और उनके किए पर सिर्फ उन्हें राजनीतिक स्टंट कहकर छोड़ देना ये किस किस्म की मीडिया है? इस किस्म की पत्रकारिता का देश में कोई जरूरत नहीं है। जब देश में किसान और सरकारी विभागों में उलझा नागरिक अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाओं के ना होने से जर्जर कर मानव त्रस्त हो जाता है, ये सब तब ही दिखता है जब किसी पर ऐसा कोई घटना बीत गई हो। ये तो उस तरह से है कि पुलिस और मीडिया में अब कोई अंतर नहीं रहा। पुलिस समय रहते अपराधी तत्वों को नकेल नहीं कस पाती, तभी अपराध बढ़ते हैं। उसी प्रकार मीडिया देश के तमाम अस्पतालों में या किसी भी विभाग में जाकर जनता के हाल की रिपोर्ट रोज प्रतिदिन नहीं करेगी तो कैसे इस व्यवस्था को खत्म करने में सफल हो पाएंगे? मीडिया का उद्देश्य खबर दिखाना ही नहीं, समाज को नैतिक तर्क देना भी है, और इसके लिए उसे परिश्रम करना पड़ेगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के महंगे कपड़ों पर कार्यक्रम बनाने से देश में बदलाव होगा, प्रोपोगेंडा चलाना बंद करके जमीन पर आम जनता के बीच रोज जाना होगा और उनकी समस्याओं को खबरों में पेश करना होगा जिससे ये जटिल समस्या सरल बन सके और देश में कोई बदलाव देखने को मिल सके। हम मीडिया को इस रूप में देखते हैं कि आजकल मीडिया कुछ स्टूडियो में ही सीमित होकर रह गई है, जहां पर चार कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों को बिठा लिया जाता है और किसी भी ऐसे विषय पर संवाद कर विवाद खड़ा कर दिया जाता है जिसकी समाज में ना जरूरत थी ना है और शायद कभी ना रहेगी। ये वो वजह है जिसमें देश और उसकी एक बड़ी आबादी के जीवन में असंतुष्टि के सहयोग बनते हैं, जो हमारे अच्छे भविष्य और विकास के लिए रुकावट पैदा करते हैं। साथ देश के लोगों में असमानता, असहजता, असहिष्णुता, बेरोजगारी और आपराधिक माहौल भी बनाते हैं। लेखक, पत्रकारों, न्याय व्यवस्था, सरकार और सरकारी कर्मचारियों की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम हमारे देश के नागरिकों को किसी भी तरह की तकलीफ और कष्ट से जीवन जीने के लिए नहीं छोड़ सकते। जिस भी कार्य में हमारा पेशा है उसे ही धर्म मानकर नैतिकता के आधार पर अपने काम को प्राथमिकता देंगे, यही मानव सेवा है और राष्ट्रभक्ति, क्योंकि कई सामर्थ्यवान के पास देश छोड़ने का विकल्प उपलब्ध है। उनका देश छोड़ना या देश की बड़ी हानियों में से एक बड़ी हानि है। फिर बात करें मध्यम और गरीब वर्ग की तो वो अपने ही देश में तमाम व्यवस्था से हीन हो जाएगा, जिसकी गुनहगार हमारी व्यवस्था ही कहलाएगी।